तो गाइस देख लो, ये रहा बुर्ज खलीफा, पीछे एक बिल्डिंग के पीछे छुपा हुआ है। और ये सारी हाई राइज बिल्डिंग है, यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरी खुद की फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही होगी, अब आएगी। और यहाँ पर आप इमिग्रेशन पे जाना है, उसके बाद वहाँ से वॉल्वो मिलेगी। दुबई तो गाइस ये बस मेरे को लेके जाएगी दुबई बस स्टैंड, और फिर वहाँ से आगे प्रोसीड करूँगा। ये अबू धाबी एयरपोर्ट है, और यहाँ पर अभी यहाँ पर तो इतनी अच्छी कार दिख नहीं रही है जितना मैं एक्सपेक्ट करके आया था, बट होपफुली मे बी दुबई पहुँच के कुछ अच्छा दिखे हमें। आज 50th नेशनल डे है, सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ अच्छी सेल वगैरह होगी, तो आज शॉपिंग करके और शाम को बुर्ज खलीफा वगैरह और दुबई एक्वेरियम देख के फिनिश करते हैं आज का डे, क्योंकि दो दिन से सोया भी नहीं हूँ। आज अच्छी नींद हो जाएगी तो कल डेजर्ट सफारी वगैरह सही हो जाएगी अपनी। कल 3-4 दिन बड़े हेक्टिक होने वाले हैं, सो लेट्स सी कैसा जाता है। दुबई रीच्ड और यहाँ छोड़ा बस ने, और यहाँ पर ऐसे ऐसी बिल्डिंग देख रही है ऊपर हाई राइज बिल्डिंग। शूटिंग चल रही है, पता नहीं किसी चीज़ की शूटिंग चल रही है। देखो यहाँ पर कैमरा लेके पीछे पीछे, एंड एक शूटिंग क्रू है पीछे, तो शूटिंग चल रही है, वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अपना पहले दिन आके ये हंगामा हो जाए। सो लेट्स मूव। मैंने इन लोगों से बात करी पीछे जो क्रू में शूटिंग हो रही है, उन्होंने अच्छे से गाइड करा मेरे को कि कहाँ पर पास पड़ेगा मेरे को मेट्रो स्टेशन। वॉक तो मैं कर लूँगा, मेरे को वॉक करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कौन सा पास पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर ये शूटिंग जो चल रही है वो चल रही है एमिरेट्स पोस्ट की, पोस्ट होती है ना, पोस्टल सर्विस उसकी। तो बंदा डब्बे लेके जा रहा था, अगर मैं जाता तो बिजनेस वे इस साइड था, मैं सीधा जा रहा हूँ तो बुर्ज खलीफा वाले उस पर जाता हूँ। बाकी देखता हूँ क्या चलता है, बाकी फिर होटल पहुँचना है और देखते हैं दोस्त कैसा रहता। तो गाइस देख लो, ये रहा बुर्ज खलीफा, पीछे एक बिल्डिंग के पीछे छुपा हुआ है, और ये सारी हाई राइज बिल्डिंग है। यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी खुद की फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही होगी, अब आएगी। अभी मेरे पीछे जो है ना, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन अभी मैंने जस्ट नोटिस किया, मैंने किया नहीं था एक्चुअली नोटिस। ये देखो टेस्ला, अरे यार लगे जाए, मैं अच्छे से शूट नहीं कर पा रहा हूँ। देखो टेस्ला, चलो गाइस मैं ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, यहाँ वेट है, इससे ऊपर जाऊँगा मैं, वहाँ पे पास खरीदूँगा। और डेरा सिटी सेंटर के पास होटल लिया था मैंने, लीला होटल, वहीं जाके चेक इन करते हैं। तो गाइस मैंने मेट्रो ले ली थी और मेट्रो का ट्रैवल पास बना लिया था। ट्रैवल पास मेरे को 25 दिरहम का पड़ा था, जिसमें 19 की वैलिडिटी आई थी, एंड पता नहीं अभी कितना चार्ज कटेगा, मैं कुछ आज अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ से एग्जिट 4 से 3-4 मिनट्स की वॉकिंग पे अपना होटल है, और उसमें चलते 5 दिरहम के चार्ज कट गया। गाइस ये देखो ऐसा व्यू है, अब जाके लग रहा है कुछ किसी नई जगह पे आया हूँ मैं। सड़कें बता देती हैं नई जगह का लुक, तो कहीं भी अच्छी जगह होगी ना, क्योंकि तो सड़कें हमेशा काली और साफ होंगी। तो यहाँ डेरा सिटी सेंटर ये है, तो इसी के नाम पे मेट्रो स्टेशन था जहाँ पर मैं उतरा था। अभी अपना होटल देखना है, अपना होटल पर
गाइस ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं और अभी सोच रहा हूँ कि दुबई फ्रेम पहले विजिट कर लूँ। इंटरनेशनल चार्जर होता है जो हमारी पिन होती है इंडिया में, वो राउंड शेप की होती है, इनकी डिफरेंट पिन होती है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल कन्वर्टर चाहिए होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए। अभी कन्वर्टर मेरे को ढूंढता हूँ, मेरे को कहाँ पर मिलेगा, इसलिए चार्ज नहीं हुआ ढंग से। मैंने किसी से बोरो करके थोड़ा सा चार्ज कर लिया इसको, जिससे मेरे ब्लॉगिंग या कुछ। तो गाइस ये देखो मैं आ गया हूँ दुबई फ्रेम पे, और दुबई फ्रेम का जो मास्क लगा देता हूँ, 3,000 दिरहम फाइन है, आई थिंक 3,000 दिरहम फाइन है अगर मास्क नहीं लगाया हो तो। तो ये दुबई फ्रेम जो है मैं बता रहा था वो 150 मीटर लंबा है और गोल्ड कलर का इस पर स्टेनलेस स्टील की कोटिंग है। ऊपर जाके देखेंगे कि कैसा लगता है, ये काफ़ी ह्यूज लग रहा है। मतलब कैसा होता था, मैं वीडियो देखता था ना उस तरह समझ नहीं आता था वीडियो में, आपको भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब कोई बंदा रियल आके देखता है ना तब उसको पता लगता है कि हाँ किस चीज़ के आगे खड़े हो। सो गाइस टिकट ले ली मैंने, अब क्यूइंग टाइम 40 मिनट्स का दिखा रहा है, क्यू लगेगी अंदर, लाइन लगेगी। और टिकट कॉस्ट मेरे को पड़ी है, देखो इसमें दिख रही होगी तो, पता नहीं दिख रही कि नहीं, ये पड़ी है 52.50 दिरहम, अप्रॉक्सीमेटली ये लगा लो आप 1100 रुपीस। इसमें आएगा क्या नहीं है देखो, काफ़ी टॉल है, काफ़ी ह्यूज है। दिस वन जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ न्यू दुबई, यहाँ पर ये बुर्ज खलीफा दिख रहा होगा आपको, दिस इज हाउ द न्यू दुबई इज बीइंग। दिस इज ओल्ड दुबई, ये ओल्ड दुबई है, तो मैं यहीं कहीं से बीच में से ऐसे कटते हुए यहाँ पर आया। वो गेम वाली छोटी सी गाड़ी नहीं होती थी, कौन सी, हॉट व्हील्स की कार्स वैसी लग रही है, येल्लो वाली तो स्पेशली जबकि आई थिंक ऑडी R8 है ये, और ये देखो मस्टैंग ऊपर से पता लग रही है। दिस इज फ्यूचर ऑफ दुबई, एम्पुटेशन दिखा रहे हैं,
लैग को पीसी की लैग नहीं है, तो उसको नैनो फाइबर से लैग उसकी क्रिएट करी गई है. तो दिस ऑल इज कमिंग इन 3D. जो क्रिएट किया गया ना 3D इफेक्ट, ये सारे प्रोजेक्टर्स देख रहे हो आप, ये सब के कॉम्बिनेशन से क्रिएट हुआ हुआ है. तो मल्टीपल प्रोजेक्टर मल्टीपल लाइट फेंक रहे हैं मल्टीपल डेंसिटी की, उसी हिसाब से एक 3D इफेक्ट आ रहा है. तो गाइस ये कुछ था दुबई फ्रेम के बारे में, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऐसी वीडियोज आती रहेंगी. अभी हमें आगे भी जाना है बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल में जो एक्वेरियम है, तो वो भी चेक करना है. सो चलेंगे, अब देखो कितनी मेहनत लगती है. सुबह से 2 दिन से सोया भी नहीं हूँ, और फ्लाइट से उतरने के बाद बस जस्ट मैंने बात ली थी और मैं यहाँ पर आ गया हूँ सीधा. तो प्लीज़ एक लाइक या सब्सक्राइब तो बनता है. ओके गाइस.